गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करेंगे सवारी कार रेंटल एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी सारे भाई है ना वेंडरशिप लेने के लिए मतलब दूसरे तरीके यूज करते हैं, फिर परेशान होते हैं। तो सारा कुछ बताऊँगा आज के वाले ब्लॉग के अंदर कि आपको कौन सी चीज़ मतलब डाउनलोड करनी है और कहाँ से करनी है, क्या करना है ही नहीं, डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती है क्या नहीं पड़ती है, और डाउनलोड अगर करना है तो क्या चीज़ को डाउनलोड करना है। तो इससे आप जो भी है ना, आप जो सवारी कार रेंटल की वेंडरशिप लेना चाह रहे हैं वो आपको इजीली मिल जाए। तो आज का जो ब्लॉग है ना वो सवारी कार रेंटल एप्लीकेशन रिव्यू का है। सिंपल चीज़ समझ लो, तो यहाँ पर आपका अगर कन्फ्यूजन निकल जाएगा तो आप इजीली से समझ जाएंगे कि वेंडरशिप हमको कहाँ से लेनी है, क्या प्रोसेस होता है वो सारा कुछ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इसी के ऊपर है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं लेके आता रहता हूँ कैब बिजनेस से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सवारी कार रेंटल की वेंडरशिप लेने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी है ना आप जैसे ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, क्या क्या करना पड़ता है, जो कि हमारे को एक से इसके में काम करने का एक वो मिले, रीजन मिले, एक प्लेटफॉर्म मिल जाए काम करने का, और काम भी कैसे किया जाता है इसके अंदर, वो पैसा भी कितना मिलता है वो भी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ सबसे पहले, क्योंकि जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो सबलेट इतने सॉलिड पैसे थे जो कि कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती थी। और काफ़ी सारे भाइयों को मैं आपको बता दूं सिंपल सी चीज़, ये जो कंपनी है ना भाई, ओला उबर जब नहीं थे तब से ये कंपनी है, कोई आज की नई कंपनी है नहीं, समझ रहे ना। एक सवारी कार रेंटल, एक गोजो पार्टनर, ये कंपनियाँ ओला उबर से पहले की कंपनियाँ हैं। ओला उबर थे भी नहीं, उसके पहले की ये दोनों कंपनियाँ हैं, ये चीज़ आप जान लो। काफ़ी सारे भाइयों के मन में ऐसा रहेगा कि ओला उबर के बाद ये कंपनियाँ आई, इन्होंने प्रमोशन किया, अपना जो काम करने का तरीका है वो बढ़ाया, वो चीज़, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारे भाई गलती कहाँ पे कर जाते हैं मैं आपको बता दूँ, सिंपल सी चीज़ है ना, वो गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं और वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब जब रिव्यू पे जाएंगे आप वहाँ पर, तो मैं आपको लाइव विद प्रूफ दिखाऊँगा, इतने सारे मतलब जो एप्लीकेशन का रिव्यू कर देना रेटिंग का, इतना ख़राब है शायद आप सोच भी नहीं सकते। काफ़ी सारे भाई सोचेंगे कि यार इसमें तो ड्राइवर की एप्लीकेशन की इतनी बुरी हालत है, तो शायद कंपनी का जो रीजन है ना वो कंपनी अच्छी नहीं है काम करने के हिसाब से, अगर आप रेटिंग पे गौर करेंगे तो। क्योंकि इसका कन्फ्यूजन मुझे बहुत ज़्यादा क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास है ना भाई इतने ज़्यादा कॉल्स आते हैं भाई सवारी कार रेंटल के कि हमने ये अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, इसमें तो कुछ होता नहीं, लॉगिन हो गया, इसमें तो कुछ आ नहीं रहा, दिख नहीं रहा है। तो मैं एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाला हूँ आज के ब्लॉग के अंदर, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कहाँ से क्या होता है और आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे बिना देरी करे और आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो मोबाइल का इंटरफेस है सामने आ चुका है, पूरा इंटरफेस आपको ध्यान में देखना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। गलती जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, जैसे काफ़ी सारे भाई है ना सोचते हैं कि ये एक कैब कंपनी है तो ओला उबर जैसी एप्लीकेशन को यूज करती होगी, और इसी टाइप से जैसे ओला उबर में गाड़ियाँ अटैच होती हैं उसी टाइप से हमारी भी गाड़ी इसके अंदर अटैच हो जाएगी। सबसे पहली गलती ये है। दूसरी एक गलती करते हैं सीधा, जैसे ओला उबर को पार्टनर को जो डेवलप एप्लीकेशन है, ओला है, उबर है, या और भी जो कैब कंपनियाँ होती हैं ना उनकी भी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर पर उनको मिल जाती है पार्टनर के नाम से, तो उसको मतलब डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन नहीं होती है और कुछ दिखाता है सिस्टम पे आने के बाद। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है। तो मैं आपको सबसे पहले गलती आपको दिखा दे रहा हूँ, जो वाली पहली वाली जो गलती है ना, लोग क्या करते हैं ना सबसे पहले ढूंढते हैं कि सिंपल सी चीज़ है, कोई भी चीज़ मिलेगी तो आपको कहाँ पर जाना है, प्ले स्टोर में जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर के अंदर आप, ठीक है। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर के अंदर आप जाएंगे तो ये सबसे पहली गलती हो जाती है, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं कि हमको सवारी, जैसे ओला उबर ड्राइवर पार्टनर आती है तो सवारी ड्राइवर पार्टनर भी आएगी, तो यहाँ पर मैंने डाल रखा है ऑलरेडी पहले से ही, तो यहाँ पे आप समझ लो सवारी पार्टनर की ये जो एप्लीकेशन है वो ऊपर आ चुकी है एक नंबर पे, ठीक है यहाँ पर। तो जैसे ही इसको डाउनलोड करते हैं लोग ना, डाउनलोड करने के लिए
यहाँ पे सोच लेते हैं, जैसे ही सारा कुछ लिखा हुआ है सिस्टम है भाई, सवारी, ड्राइवर, पार्टनर, ऐप, ऊपर जो लिखा हुआ है वो, तो इसी को समझ लेते हैं कि भाई ये ही जो रियल है ना, वो सारा कुछ ये रियल है। अब मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ ना, तो ये 5 स्टार वाली जो रेटिंग होती है ना किसी एप्लीकेशन में, जो यूज़ करते हैं उसको रेटिंग दिया जाता है, तो उसकी रेटिंग क्या है, 3.3। अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना तो 3.3 आपको रेटिंग दिखाई देगी। तो क्या सोचेंगे यार, इसमें तो किसी ने रेटिंग दिया ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब किसी किसी ने तो क्या क्या लिख डाला है, मतलब सोचने भी सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर क्या क्या लिख डाला है और क्यों लिखा है। तो इस चीज़ को सोचने के बाद है ना, तो मैं आपको रिव्यू पहले दिखा देता हूँ, जो स्टार रेटिंग का जो रिव्यू होता है ना वो कैसा दिया गया है। अब जो भी भाई होंगे ड्राइवर ही होंगे, क्योंकि ड्राइवर एप्लीकेशन है, तो जिसने भी, बहुत सारे भाइयों ने ट्राई किया है कि इसका वेंडरशिप लेने के लिए, तो आप इस यहाँ पे देख सकते हैं 1 स्टार रेटिंग, ज़्यादातर जो रिटर्न है, नो रिटर्न बुकिंग, प्रोसेस वेरी पुअर सपोर्ट, तो ये चीज़ें हैं, नो बुकिंग, नो कैरीज डिपॉजिट, नो रिस्पॉन्स फॉर द अकाउंट, तो जो भी है ना टू मच। यहाँ पे भाई ने 3 स्टार रेटिंग दिया है किसी ने, एक ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक 5 स्टार रेटिंग दिया गया है प्रीतिया रे ने, आई हैड द ब्रिलियंट एक्सपीरियंस विद कोस्ट कॉम्पेयर्ड अदर द कैब एग्रीगेटर्स ड्राइवर एटीट्यूड। हाँ मतलब ये किसी ने 5 स्टार रेटिंग कंपनी को दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप जाएंगे ना 1 स्टार और किसी ने 3 स्टार, 1 स्टार रेटिंग ज़्यादा है भाई, 2 स्टार, 1 स्टार, 1 स्टार की लिमिट ज़्यादा है। इसके हिसाब से कंपनी की जो रेटिंग है ना वो 3.3 पे चिपक गई है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राइवरों की जो, मतलब मिस, क्या बोलते हैं, मिस्टिंग क्या, फिर मिस्टेक या फिर कन्फ्यूजन के गलत एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से ये है। यहाँ पे एक भाई ने लिखा 500 पैड टू वेरीफिकेशन, मतलब 500 रुपये भी ले लिए और अकाउंट भी एक्टिवेट नहीं है, तो ये भी चीज़ है। यहाँ पे माई नंबर इज़ नॉट रजिस्टर वाई शोइंग मनी 500 to 2000, तो यहाँ पे 500 से 2000 रुपये का जो डिपॉजिट होता है ना वो दिखाता है, और काफ़ी सारे भाई पेमेंट भी कर देते हैं, उसके बाद पेमेंट तो हो जाता है, और पेमेंट होने के बाद मतलब आईडी है ना ओपन नहीं होती, उसमें कोई बुकिंग शो नहीं करती है। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, किसी ने 5 स्टार रेटिंग दिया हुआ है, और आप इसको चेक करें, 5 स्टार रेटिंग जहाँ पे होगा ना, यहाँ पे नाइस ऐप एंड, ये भाई ने करेंसी नाइस ऐप एंड, ये वाली आप देखेंगे ना, नाइस ट्रस्टेड कंपनी, हैव बीन वर्किंग फॉर देन 3 ईयर्स विद दिस कंपनी, नाइस स्टाफ एंड नाइस कस्टमर सपोर्ट। तो जो लोग यूज़ कर रहे हैं ना, सही से यूज़ कर रहे हैं ना, उनका रेटिंग आपको 5 स्टार रेटिंग आपको मिल जाएगा। जिनके पास लीगली तरीके से वेंडरशिप आ चुकी है, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो यहाँ पे आप देखेंगे ये भाई ने भी 5 स्टार रेटिंग आपको कंपनी को दे रखी है। वेरी गुड ऐप एक्सपीरियंस, इजी टू यूज़ एंड एग्जीक्यूटिव न्यू बिजनेस फ्रॉम सरावारी विद क्विक स्टेटमेंट फॉर एक्सक्लूडेड टूटेड बुकिंग। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये भी एक मेन पॉइंट है। तो जो लोगों को समझ पड़ गई ना भाई उन्होंने कि उन्होंने 5 स्टार रेटिंग दे रखी है, यहाँ पे आप देखेंगे ये भी 5 स्टार रेटिंग है, आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, वेरी गुड सर्विस बट प्लीज कनेक्ट टीम सपोर्ट पुअर, तो यहाँ पे एक मिस है वो है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी भाई ने एक 5 स्टार रेटिंग दे के रखी है, वेरी नाइस है फॉर ड्राइवर एंड स्टाफ, आर यू वेरी नाइस, नीचे वाले में भी वही है, वेरी नाइस एंड गुड जॉब, वेरी हेल्पफुल स्टाफ, वेरी वेरी नाइस। तो ये जो 5 स्टार रेटिंग आपको दी है, मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो 5 स्टार रेटिंग जो है सवारी कार रेंटल वेरी गुड, तो यहाँ पे जो दी है ना, और बाकी में आप ज़्यादातर जाएंगे वहाँ पे 1 स्टार या किसी ने 3 स्टार, किसी ने 2 स्टार रेटिंग देके एप्लीकेशन है, और किसी में भी कंपनी के तरफ से रिप्लाई नहीं है, ठीक है, किसी भी को भी रिप्लाई नहीं दिया गया है जो भी है वो। काफ़ी सारे भाइयों ने रेट को लेकर भी मतलब कमेंट किए हुए हैं। तो सबसे पहले जो गलती होती है ना वो यही होती है, मैंने आपको जो दिखाई, ठीक है, लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, उसके बाद काम नहीं होता है तो वो चले जाते हैं कहाँ पे, ये वाली एप्लीकेशन पे जाने के बाद, ठीक है, ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं।
यहाँ पे लिख दिया है अलाउ द टाइम, तो ये हो गया अलाउ द टाइम, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा नंबर डाला और रजिस्टर्ड हो गए। तो जैसे ही आप अपना रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर आपकी आईडी हो जाती है लॉगिन, ठीक है। अब कुछ भाई क्या गलती करते हैं कि यार हमने तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दिया और हमारे पास बुकिंग अब आना स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, दूसरे में जाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, तीसरे में जाएंगे आपको यहाँ पर ये रिक्वेस्ट निकल के आ जाती है, ठीक है। तो यही जो गलती है ना, वो सबसे पहले यही गलती है आप जो गलती करते हो। वो गलती क्या है, वो ये वाली जो एप्लीकेशन है ना, वो है ड्राइवर एप्लीकेशन, सिंपल समझ लो। जो भी बुकिंग आपको आएगी वो ड्राइवर एप्लीकेशन पे आपको जो बुकिंग को कंप्लीट करना होता है वो इससे की जाती है, और इसका नाम है सवारी पार्टनर, जो कि आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे सवारी पार्टनर लगी हुई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेंडरशिप की। तो यहाँ पर आप जाएंगे ना, ये भी आपको लोगो दिख रहा होगा जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे की तरफ, ये इसमें और क्रोम का भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये चीज़। तो इसको ओपन करेंगे ना जैसे ही, तो ये बनता है इंटरफेस। अब जो बुकिंग यहाँ पे तो आपको शो कर नहीं रही होगी, एक भी बुकिंग आपको शो नहीं कर रही है, ठीक है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि मेरी सिटी से कोई भी बुकिंग नहीं है। तो ये जितने भी स्टेट, मतलब सिटी और स्टेट है ना, इतने सारे मुझे स्टेट दिए हुए हैं। तो आल ऑप्शन पे मैं जाऊंगा ना, तो यहाँ पर आपको बुकिंग शो करने लगेगी। आप ये जो रेड कलर का सिंबल लगा ना, ये वाला आप देखेंगे, ये किसी ने बुकिंग को लेकर और इसको होल्ड पर रखवा दिया है। ये जहाँ पे भी आएगा ना, वो समझ लेना वो बुकिंग होल्ड पर है। तो इस पे पास जो मेरे पास जो बुकिंग अभी ऑलरेडी पड़ी है पुणे से मुंबई, मुंबई से पुणे ज़्यादा है, आप देखेंगे यहाँ पे मुंबई पुणे, पुणे मुंबई, नवी मुंबई, पुणे नासिक, मुंबई पुणे, अहमदाबाद से गलियाकोट। तो ये जो बुकिंग पड़ी है ना, आप देख सकते हैं कितनी सारी बुकिंग है। ज़्यादातर जो बुकिंग पड़ी हुई है ऑलरेडी अभी जो पूरे इंटरफेस पे होम पेज पे जो दिख रही है, वो ज़्यादातर मतलब महाराष्ट्र की बुकिंग ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में की बुकिंग ज़्यादा आ रही है इसके अंदर, और मेरी सिटी से एक भी बुकिंग अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल अभी में। तो ये वाली अब एप्लीकेशन है ही नहीं। पहली चीज़ तो देखो, इसका वेंडर इंटरफेस होता है, ये इंटरफेस पे लॉगिन होती है, ये आप समझ गए ना। तो इसको कहाँ से लाया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारे भाई क्या सोचते हैं कि आसिफ भाई हमको गाड़ी अटैच करना है तो कैसे अटैच करना होता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे तीन सिंबल लगे होते हैं ना, यहाँ पे ये तीन घंटी वाला जो है, यहाँ पे आपको डिटेल आती है। जब भी आप कोई बुकिंग उठाते हैं, आपके पास बुकिंग आएगी, तो बुकिंग उठाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसी टाइम पे आपको असाइन बुकिंग आ जाएगी आपके पास, इंटरफेस पे दिखेगी। तो यहाँ पे असाइन ड्राइवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर असाइन ड्राइवर, वहाँ से नहीं करना है तो आप नीचे से कर सकते हैं, जो भी है। यहाँ पे ड्राइवर आ जाएगा, यहाँ पे कार आ जाएगी, तो जो भी कार आपको भेजनी है ना, ऊपर नीचे आ जाएंगे ना ड्राइवर, ये कार का ऑप्शन है, यहाँ पे ड्राइवर ऑप्शन है। जब आपको बुकिंग लेनी है, ले ली, उसके बाद गाड़ी अटैचमेंट होती है इसमें। आपको पहले से ओला उबर है, जितनी भी कैब कंपनियाँ उनमें गाड़ी अटैच होती हैं, ड्राइवर अटैच होते हैं। इस कंपनी के साथ हर बुकिंग पे हर ड्राइवर हर गाड़ी अटैच होती है। अगर आपके पास एक ही गाड़ी है, एक ही ड्राइवर है, तो आप उसको भी हर बार हर बुकिंग पे आपको एक्सेप्ट मतलब असाइन करना पड़ता है, तब जाके बुकिंग बनती है। अब मैं आपको बता दूँ सिंपल सी चीज़ कि आपको इसके लिए वेंडर सिम में कहाँ जाना पड़ेगा। तो अभी ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, यहाँ पे आप समझ गए। तो अभी ये मैं चलता हूँ, कुछ चीज़ आपको समझा दे रहा हूँ, और इसके लिए हम अलग से एक वीडियो अलग से बना देंगे। तो मैं वापस से सवारी पार्टनर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहा हूँ और उसको दिखा रहा हूँ आपको क्या है क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पर निकल के आता है, आप इसको देखेंगे ना, मैं आपको दिखा दूँ। जैसे ही आप डाउनलोड पर जाएंगे, तो डाउनलोड करने के पहले यहाँ पे जो एरो बना है ना, सॉरी ये जो एरो बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये व्हाट्स न्यू लिखा हुआ है अपडेट, ये व्हाट्स न्यू के अपडेट के सामने आप एरो बना हुआ है ना, अगर आप इसको क्लिक करेंगे,
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो भी एस्टीमेट है वो आपको निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 24x7 सर्विस जो एरिया लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, चेन्नई एंड मुरादाबाद में इसके ऑफिस है रनिंग के अंदर, ठीक है, लोकेटेड एरिया में। यहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, सोशल एक्टिविटीज़। अब एक चीज़ मैं गौर करा दूँ, ordersawari.com, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो नंबर आधा लिखा है और आधा नंबर इधर लिखा है, तो इस नंबर पे आप कॉल करके, ये एक बुकिंग नंबर है, ordersawari.com, आप समझ गए, मतलब एक बुकिंग नंबर है कंपनी की तरफ से, तो आप इस नंबर पे जब भी मतलब कॉल करेंगे तो कॉल करने के बाद आपको वेंडरशिप का नाम लेना है, तो आपको वेंडरशिप यहाँ से रजिस्टर करके दी जाएगी। फिर आपको रजिस्टर, जब आपको मेल आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड वो सारा कुछ मिल जाए, तब आपको गूगल क्रोम पर जाके उसको लॉगिन करना होता है। और जब गूगल क्रोम पर जाके आप लॉगिन करेंगे होम पेज या डेस्कटॉप साइट पर जाके, तब वो आपकी वेंडरशिप बनती है, जो कि मैंने आपको दिखाई, जैसे मैंने बनाई हुई है ये वाली। तो यहाँ से आप नीचे भी देखेंगे तो आपको क्रोम का अक्सर दिखेगा, यहाँ पे ये क्रोम है, ठीक है, और ये जो ओपन होती है वो क्रोम पे ही ओपन होती है। फिर यहाँ पर इसकी सारी सेटिंग्स निकलती है, जो भी नोटिफिकेशन है बुकिंग आने की, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिख जाता है। तो यहाँ से अगर मैं एक एक करके हटा दूँगा तो ये देखो, ये सिर्फ इंटरफेस ही है, आप समझ लो, ठीक है, ये इंटरफेस है, यहाँ से हटा दिया हमने, यहाँ से हटा दिया। अगर मैं आप गूगल क्रोम पे जाता हूँ ना, गूगल क्रोम, तो ये है गूगल क्रोम, ठीक है, अब मेरा गूगल क्रोम जाता वो ओपन हो गया, ठीक है, और यहाँ से आप चेक करोगे ना तो ये ऐड होम स्क्रीन वाला सिस्टम पकड़ के आप इसका अपना इंटरफेस बना सकते हो। जब आपके पास यूज़र आईडी या पासवर्ड आ जाए सारे कुछ, तो इतना प्रोसेस होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है भाई, झमेला है नहीं। अगर मैं इसको हटा देता हूँ वापस मेरे, क्योंकि मैं उसमें बार बार लॉगिन करूँगा तो वो कर नहीं पाऊँगा, तो मैंने सीधा होम पेज पे अपना इंटरसेट बना लिया, वहाँ पे क्लिक करो, जो भी सिस्टम है ना वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। टोटल में जाओगे, ऑल इनक्लूड में जाओगे, टोटल पूरे जितना भी आपके रेंज के हिसाब से जो किलोमीटर मतलब एरिया लगता है, जहाँ से आपको बुकिंग मिलेगी, जो वो सारी बुकिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये होती है वेंडरशिप की एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन बनाई जाती है कंपनी की तरफ से, कुछ नहीं होती, ये भी आपको ही बनाना पड़ेगा, कंपनी इसमें कुछ नहीं करती है, और अगर कोई फ्री बंदा होगा तो आपको समझा देगा वैसे करके। तो ये इंटरफेस बनाने के बाद एप्लीकेशन जो होती है ना, वहाँ से असाइन, यहाँ से असाइन होगी और वो ड्राइवर एप्लीकेशन में चली जाती है। ऐसा ही प्रोसेस गोजो के अंदर नहीं है, गोजो आपको एक एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी सिंपल सी गूगल प्ले स्टोर पे, लेकिन इसका भी थोड़ा मिलता जुलता सिस्टम है, वो आपको दिखा दूँ। इसके अंदर भी बुकिंग सेम आती हैं, यहाँ पे आप बिडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आप वो डायरेक्टली डालता है, आपको एक्सेप्ट करनी है, यहाँ पर आपको बिडिंग करनी है, यहाँ पे बिडिंग सिस्टम है। इसके अंदर भी आप जाएंगे, ज़्यादातर जो बुकिंग पड़ी है ना वो भी मुंबई की, मतलब बंदा मुंबई, नासिक, पुणे काम करते करते थक जाएगा, लेकिन बुकिंग ख़त्म नहीं होती है, इतना बुकिंग आता है। इसके अंदर ये एक बुकिंग पड़ी है बड़ौदा से अहमदाबाद की एयरपोर्ट की बुकिंग आज शाम की, ठीक है। तो ये इसका तो आपको इंटरफेस मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर भी जैसे यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे असाइन कैब लिखा है, यहाँ पे करंट ड्यूटी लिखा हुआ है, यहाँ से जिस तरीके से उसके अंदर आपको ट्रांसफ़र करनी ना गाड़ी, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो असाइन कैब लिखा है और यहाँ पे करंट ड्यूटी लिखा है, तो यहाँ से असाइन करके आप जब अपनी बुकिंग को ड्राइवर एप्लीकेशन में सेंड करेंगे, तो मैं ड्राइवर एप्लीकेशन आपको दिखा देता हूँ, ये वाली ड्राइवर एप्लीकेशन। तो जैसे ही आप वो बुकिंग वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पर वो सीधी अपडेट हो जाती है, पूरी लिस्ट जो भी बुकिंग है उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, जो पिकअप का टाइम है वो आपको टाइम पिकअप का टाइम कर लेना है, और जो वो टाइम है आपको वो टाइम कर लेना है, तो जो भी कंप्लीट टाइम है वैसा करके आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं।
तो दोस्तों वो जो भी एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड नहीं करनी है, वो खाली बुकिंग को यूज़ करने के लिए होती है, बुकिंग कंप्लीट करने के लिए होती है, जब आप ड्यूटी वहाँ से स्टैम्प करेंगे तब असाइन करने के बाद। तो जो भी बुकिंग जब भी इसके अंदर आपको मैं सबसे पहले बता दूँ, इसके अंदर आपको गाड़ी अटैच नहीं करनी पड़ती है, जिस तरीके से ओला उबर में गाड़ी और ड्राइवर दोनों पहले से ऐड करके रखना होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप बुकिंग लेंगे तब आपको गाड़ी ऐड करनी है और अपना जो ड्राइवर उस गाड़ी पे जाने वाला है वो ड्राइवर को उस पे ऐड करना है बुकिंग पे। जब भी आप बुकिंग लेंगे, जितनी आप बुकिंग लेंगे, एक गाड़ी की, दो गाड़ी की, तीन गाड़ी पे, हर गाड़ी की बुकिंग पे आपको गाड़ी और ड्राइवर ऐड करना है। ऐसा नहीं कि पहले से गाड़ी जो ऐड है उसके हिसाब से चलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरफेस मैंने आपको बता दिया वो कहाँ से आपको मिलेगा, वो जो नंबर है उस पर कॉल करके आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। 500 रुपये से 2000 रुपये की तक की डिपॉजिट है और वो भी रिफंडेबल है, जब मुझे मालूम था तब तो। बाकी मेरे पास कंपनी से काफ़ी दिनों से कॉल पे बात नहीं हुई है और मैंने काफ़ी टाइम से इसके अंदर बुकिंग नहीं उठाई है। बुकिंग ना उठाने की वजह रेट, क्योंकि फेयर है कम हो गया, इसके लिए मैं काफ़ी दिनों से इसके अंदर काम नहीं कर रहा हूँ, तो ये चीज़ है दोस्तों। और दूसरी एक चीज़ बता दूँ, जो भी कन्फ्यूजन होते हैं ना, आप जो डाउनलोड कर लेते हैं वो, आप जो गलत एप्लीकेशन डाउनलोड करने की वजह से जो आपको प्रॉब्लम्स आती है ना, वो है मेन प्रॉब्लम। आप ओला उबर को समझ के, बाकी के जो कैब एग्रीगेटर कंपनियां हैं उनको जैसा समझ के उस चीज़ को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद उस पर इंटरफेस नहीं आता है। काफ़ी चीज़ें, एक चीज़ मैं और कहूँगा, इस नंबर के साथ साथ आपने सुना होगा गूगल प्ले स्टोर पर या फिर गूगल की साइट पर नंबर के साथ जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो अपना नंबर ऐड कर देते हैं उसके अंदर। तो आपको सबसे पहले है ना वो चीज़ भी समझनी होगी, कहीं गूगल पे दूसरे का नंबर तो ऐड नहीं है, उसके साथ आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तो उस चीज़ में भी आपको सतर्क रहना है और समझना है कि ये जो काम हो रहा है हमारा वो कंपनी की तरफ से हो रहा है या फिर कोई फ्रॉड कर रहा है। तो जो नंबर की कैरी है ना वो आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है आप सबको, क्योंकि गूगल पे जो नंबर डाल दिए जाते हैं ना उनके साथ में आप कॉल करेंगे कंपनी को, बट वो जाता है फ्रॉड वालों के पास में, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और डिपॉजिट आपको अपने हिसाब से करनी है, कल को ये मत कहना कि आसिफ भाई इसमें तो रेट ही नहीं मिलता है, हमारे पैसे भी फंसा दिए और आपने बताया भी नहीं। तो सारी कुछ इंक्वायरी कर लेना, आपको अच्छी लगे तो यूज़ करना, कल को ये मत कहना मुझे कि आपने बताया नहीं। तो ये चीज़ें मैंने आपको रेटिंग भी दिखाई, रेटिंग कुछ मिसहैंडिंग है, मिस्टेक है जो एप्लीकेशन डाउनलोड करने की, वो भी मैंने आपको बता दी। और जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी उन्होंने 5 स्टार रेटिंग देके रखा है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास काफ़ी दिनों से कॉमेंट आ रहे थे सवारी को लेके, और कैमरा और माइक ना होने की वजह से, क्योंकि ये ब्लॉग जो बनाए जाते हैं ना डबल कैमरे पर बनाए जाते हैं, तो एक ही मोबाइल है, एक ही कैमरा है, एक ही सब कुछ है, तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था बहुत टाइम से, 4 महीने 5 महीने एक ब्लॉग बने बना था, 2 ब्लॉग बनाए सवारी के ऊपर, और गोजो और सवारी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहे भाइयों के, और मैं इसके ऊपर और एक ब्लॉग बना दूँगा खुल के, कहाँ से आएगी कहाँ से नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ब्लॉग बनाने के लिए डबल कैमरे की ज़रूरत पड़ती है, मेन इशू वहाँ पर आता है। तो दोस्तों एक जो गोजो की पार्टनर की एप्लीकेशन है उसके बारे में भी हम एक ब्लॉग अपडेट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट है, उसके भी भाइयों के क्वेश्चन है कैसे भाई गोजो कैसे काम करती है, कैसे एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर काम करना सही है क्या नहीं है। तो देखी जाए तो गोजो और सवारी है, दो एप्लीकेशन ऐसे प्लेटफॉर्म है ना, अगर आपको अच्छे लग गए तो ओला उबर आप भूल जाएंगे। अगर आप आउटसाइड में काम करते हैं, ऑल इंडिया में काम करते हैं, एक रूट पर काम करते हैं, तो देखो वन वे है, कहीं भी जाओगे वन वे है, किसी में भी गारंटी किसी की भी नहीं होती। मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर बुकिंग पड़ी हुई है तो आप ले लो, बुकिंग नहीं है तो आपको कंपनी ना ओला गारंटी देती है ना उबर देती है, कोई भी कैब कंपनी, कैब एग्रीटर कंपनी आपको रिटर्न भाड़ा देने के लिए कोई भी नहीं देती है। जा सकते हो, आपकी मर्जी हो तो लो, मर्जी नहीं है तो मत लो। काफ़ी सारे भाई बोलते हैं कि गोजो के अंदर जो रेट आता है बहुत खाता, तो आप रेट तो भाई मैं आपको पहले सारे वीडियो के अंदर बताया हूँ, भाई गलती है ड्राइवर भाइयों की जो कम रेट में बुकिंग उठा के चल देते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही था, ब्लॉग में कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे DM कर लेना, वहाँ से आपको और जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।